हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके चैनल मोबाइल मीनिया पे। तो आज हम बात करेंगे एक सेल फोन के बारे में। फ्रेंड, ये है फ़ोन जो है वो है Xiaomi की तरफ से, Xiaomi Redmi Y1 इसका नाम है। तो आज हम बात करेंगे कि क्या कुछ है इसमें खास, कंपनी ने क्या डाला है इसमें अलग, क्यों ये मार्केट में हो रही है इतनी फेमस, क्या है इसके प्राइस, क्या है इसकी स्पेसिफिकेशन और क्या इसमें है खास, क्या इसमें नया दिया गया है। तो चलिए फ्रेंड, इसकी स्पेसिफिकेशन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड बात करते हैं Redmi Y1 के डिस्प्ले के बारे में। तो इसके डिस्प्ले जो है फ्रेंड वो आपको फुल दी गई है HD 5.5 इंच की फुल HD डिस्प्ले है विद गोरिल्ला ग्लास 3 के साथ आपको आती है। फिर बात करते हैं फ्रेंड इसकी बॉडी की। तो इसकी बॉडी जो है वो मेटल की नहीं दी गई है, इसमें आपको फुली प्लास्टिक दी गई है, लेकिन आपको एक्सपीरियंस मिलेगा बॉडी का कि ये बिल्कुल स्टील की जैसी है। जैसे Xiaomi के सारे मोबाइलों में, लगभग सारे मोबाइलों में जो है वो स्टील बॉडी दी जाती थी, इसमें प्लास्टिक की दी गई है। फिर बात करते हैं फ्रेंड इसकी प्रोसेसर की। तो इसमें प्रोसेसर आपको स्नैपड्रैगन 435 दी गई है। फिर बात करते हैं इसकी बैटरी की। तो आपको 3800 एम्पियर की में बैटरी मिल जाएगी। अदर सारे मोबाइल में आपको 4000 की मिल रही थी, इसमें आपको 3800 तक की मिल जाएगी फ्रेंड। उसके बाद करते हैं फ्रेंड कैमरास की, जो इसकी मेन फीचर है। तो कैमरा में फ्रेंड आपको रियर जो है वो दी गई है 16 मेगापिक्सल की कैमरा, सेल्फी एक्सपर्ट ऐसा बोल सकते हैं, मूनलाइट है या डे लाइट पता नहीं, पर सेल्फी पे इसकी काफ़ी जोर दी गई है, जिससे ये मोबाइल अलग होती है रेडमी के सारे मोबाइल से। तो रेडमी की लास्ट जो सारे मोबाइल के फ्रेंड वो नॉर्मल थी, एवरेज थी, क्योंकि उस प्राइस सेगमेंट में और आप क्या पूछ सकते थे, क्या एक्सपेक्ट कर सकते थे, तो वहाँ तक वो काफ़ी अच्छी थी। पर इसमें आपको 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है विथ LED फ्लैश। बैक की बात करें तो बैक में आपको 13 मेगापिक्सल का दिया गया है कैमरा LED फ्लैश के साथ, और बैक में आपको एक फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल जाता है फ्रेंड। अब बात करते हैं कि इसमें इसे लेना चाहिए कि नहीं फ्रेंड, प्राइस क्या है इसकी। तो देख सकते हैं आप, इसकी बॉडी काफ़ी अच्छी बनाई है गई है फ्रेंड, और डिस्प्ले भी काफ़ी अच्छा है बाकी सारी रेडमी फ़ोन की तरह, ये भी बहुत सक्सेसफुल हो रही है मार्केट में। और फिर बात करते हैं फ्रेंड कि प्राइस क्या है इसकी। तो ये दो प्राइस सेगमेंट में आते हैं, एक 3GB रैम 32GB स्टोरेज के साथ और 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ। तो 3GB एंड 32GB जो है वो आपको 899 के साथ आएगी प्राइस, और 4GB और 64GB वाली फ़ोन आपको 10999 के साथ आएगी, या कह सकते हैं 9000 और 10000 के साथ आपको ये फ़ोन अवेलेबल होगी ऑनलाइन में। तो आप इसे खरीद सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा फ्रेंड कि 899 वाला फ़ोन ही खरीदें मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, क्योंकि 11000 लिटिल भी थोड़ा महंगा हो जाता है, लेकिन आपको 9000 तक में ऐसा सेल फोन भी अभी आपको मार्केट में नहीं मिलेगा। और Xiaomi की यही खास बात है, ये थोड़ा इस बात पर ज़्यादा ध्यान देते हैं कि इस प्राइस सेगमेंट में इसलिए इनका सेल फोन भी ज़्यादा बिकता है, तो ये इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देते हैं फ्रेंड, इसलिए इनकी सेल फोन बिकती भी ज़्यादा है और परफॉर्मेंस एंड हार्डवेयर भी काफ़ी अच्छा होता है इनका। अगर आप यही अदर कंपनी में सेल फोन लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा कॉस्ट पड़ जाएगा फ्रेंड, हालांकि इसमें आपको बहुत सस्ते में ये सब कुछ मिल जाता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा फ्रेंड 9000 के लिए, अगर आप ज़्यादा वाला भी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो फ्रेंड आपको मेरी